वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत होने वाले वफाकी काबीना के अजलास में कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मामले पर फैसला न हो सका। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत शिबली फराज का ब्रीफिंग देते हुए कहना था कि ऐसे इंतखाबात चाहते हैं जिस पर कोई उंगली ना उठाए। माजी में हुकूमतें धौंस धांधली और करप्शन पर चलाई गईं। अपोजिशन के पास कोई एजेंडा है ना ही मुतबादल प्रोग्राम। एहसन इकबाल लंदन में बैठी क़यादत का दिफा ना करें। बिलावल भुट्टो सियासी तौर पर मायूस हो चुके हैं। इजलास में होटल्स और मार्केट्स खोलने और मवेशी मंडियों के SOPs पर ब्रीफिंग भी दी गई। अपोजिशन हम सब जानते हैं कि इस वक्त एक बिल्कुल एक ऐसी सूरत हाल का शिकार है कि न तो उनके पास कोई एजेंडा है, न उनके पास कोई कहने की बात है। तो उन्होंने ये पिछले 2 हफ्तों में एक बुनियादी कोशिश ये की है कि इस मुल्क को किस तरह से बेयकीनी से दोचार किया जाए, क्योंकि इनको अपने गुनाहों का पता है कि इन्होंने क्या क्या गुनाह किए हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी सिंध में हो और वो आपने देख लिया है कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या सूरत हाल है, या वो पंजाब हो। अब वो एहसन इकबाल है जो की खुद एक नारोवाल में जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया है उसकी तो खबरें यही आ रही है कि उसमें उनमें काफी घपले हुए हैं। एहसन इकबाल किस मुंह से किस लीडरशिप की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं? ये वो दरबारी हैं जो कि आके यहाँ पे कौम का भी वक्त जाया करते हैं और इस लिहाज से इनमें इतनी वो नहीं है, मैं लफ्ज नहीं, इतनी शर्म नहीं है कि एक ऐसे लीडर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि भागा हुआ है। बिलावल भुट्टो है उधर वो बात करते हैं, भाई आपने कहा था रोटी कपड़ा मकान, आपने जो है तो दे दी है, अपने आप को सरे महल दे दिया, आपने स्विस बैंक में जो $65 मिलियन थे उसका हिसाब आज तक नहीं दिया। आप आज उठ के आके हमें कहते हैं कि जी आप करप्ट हुकूमत है। ये क्या है? ये बेसिकली ये शो करती है कि अपोजिशन बिल्कुल एक ज़हनी तौर पे बिल्कुल बांझ हो गई है।